हेलो फ्रेंड्स, आज के अदूसरे ज्ञान में करना है कार ज्ञान, जो है कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। क्या आपको पता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अफ्रीका मेडागास्कर में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई। तो मेडागास्कर में ऐसा बोला जाता था कि मेडागास्कर में एक ऐसा पेड़ है जो आदमी को भी खा जाता है। एक रिसर्चर ने 1874 में एक आर्टिकल छपवाया था न्यूज़ में, ऐसा कह के कि मकाडो ट्राइब, मेडागास्कर के मकाडो ट्राइब के लोगों ने एक लड़की को एक मैन ईटर ट्री के की तरफ थ्रो करा और मैन ईटर ट्री ने उसे खाया। इसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर ऑस्कर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था मेडागास्कर द लैंड ऑफ द मैन ईटिंग ट्री। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि मेरे को नहीं पता कि मेडागास्कर में ये ऐसा कोई ट्री है या नहीं, बस मैंने ये बुक लिखी है। और फिर 1955 में ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया कि मेडागास्कर में कोई मकाडो ट्राइब नहीं है और कोई ऐसा ट्री नहीं है। इसका मतलब कि दुनिया में ऐसा कोई भी ट्री नहीं है जो इंसानों को खाए, लेकिन दुनिया में ऐसे प्लांट्स ज़रूर हैं जो मीट खाते हैं, इंसेक्ट्स और मीट। तो मैं हम बात करते हैं उनके बारे में। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। तो मैं ऐसे बहुत तरह के कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहला प्लांट, वाटर व्हील प्लांट। वाटर व्हील प्लांट समुंदर के अंदर उसके बहुत सारे गोल गोल जेली टाइप ऐसे राउंड राउंड बॉल्स होती हैं, उसके प्लांट से ही टेंटिकल से जुड़ी हुई। तो जैसे ही कोई भी मछली छोटी सी वहाँ से गुजरती है तो वो उसे वैक्यूम कर लेता है अंदर और उसके और उसे डाइजेस्ट कर लेता है और फिर वहाँ पर बचता है तो सिर्फ फिश का स्कल। अगला, वीनस ट्रैप प्लांट। वीनस ट्रैप प्लांट वो सबसे फेमस कार्निवोरस प्लांट है दुनिया का। वो अपना मुंह को खोल देता है और ऐसा दिखाता है कि ये एक लीव्स है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट या कोई बग उसके मुंह में आता है तो वो अपना मुंह बंद करके उसे स्वालो करके डाइजेस्ट कर लेता है। अगला है ब्लैडर। ब्लैडर प्लांट बहुत सारी अच्छे अच्छे परफ्यूम टाइप स्मेल बाहर भेजता है जिससे बग्स और सब अट्रैक्ट होके उसके अंदर जाते हैं, और फिर अंदर जाके उनको दिखती हैं तीन लाइट्स। वो उनको लगता है कि ये एग्जिट है, उसमें जाते 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 उस लाइट वो लाइट ही उसे डाइजेस्ट कर लेती है और वहाँ बचता है तो सिर्फ उसका स्कल। अगला है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में फ्लूइड होता है और वो भी सेम टू सेम अपना अच्छी अच्छी स्मेल्स बाहर भेजता है जिससे बग्स अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर आके उसके तरफ बैठते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं अंदर और डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये थे कुछ कार्निवोरस प्लांट जिनके बारे में हमने बात की, और ऐसा भी हमने आपको बताया कि मेडा ऐसा कोई ट्री नहीं है जो आदमी को खाए। आपको अगर अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे भी वीडियोस देखें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।